सबसे बड़ी बात, जीवन में उतार चढ़ाव नदिया की तरह है। नदिया भी कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर हर उतार में अगर आपने अपने अंदर कोई नवीनता जगा ली तो उस उतार का धन्यवाद। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक चीज़ का धन्यवाद, आभार। पर जो आपने बात पूछी उसका एक ही उत्तर है कि हम हमेशा ग्रोथ में रहें, हमारा रूपांतरण होता रहे, हम आनंद की तरफ जाएं, उन्नत अवस्था में रहें। इसके लिए एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ। अब मैं बार बार सबसे प्रार्थना करती हूँ, स्पिरिचुअल पाथ को धार्मिक न माने। स्पिरिचुअल है आध्यात्मिक रास्ता, जिसका धर्म से, जो संसारी धर्म मानव ने धर्म बनाए उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमको ये स्पिरिचुअल पाथ, अध्यात्म का रास्ता अपनाना है, जो कि प्रकृति के नियमों पर, ब्रह्मांड की जो क्रियाएं चलती है उसके विज्ञान पर आधारित है। वो किसी की मानव की बुद्धि से नहीं उत्पन्न हुआ। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने सत्य सनातन धर्म कहा। धर्म का मतलब धार्मिकता से जब जोड़ देते हैं तो वो पड़ी रेखा हो जाता है। स्पिरिचुअल पाथ वर्टिकल पाथ है, लंबवत तरह इसका है ही तरीका, ये ऊपर ही चलती है। धार्मिकता आपको ऐसे रखती है कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आराम आ जाएगा, समस्याएं दब जाएंगी, चल जाएंगी, ये आपको चुस्त रखता है, ये ऊपर ले जाता है। और ये आपको अध्यात्म का रास्ता चलने पर हम स्वतः ही उन ऊर्जाओं से, उस ज्ञान विज्ञान से जुड़ जाते हैं जो हमें बैठने नहीं देगा। वो इतना आपको दे देगा कि आपको लगा, अरे अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये आपको दिन रात काम में लगाए रखेगा। तो इसके लिए ये स्वतः ही ऊर्जा से जोड़ता है आपको। आपको हर कर्म किस तरह से करना चाहिए इसका रास्ता दिखाता है। और ये सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश पर आधारित है। सत्य वही, जो सोचो वही बोलो वही करो। ऐसा करने में अपने आप व्यर्थ के शब्द आपके जीवन से निकल जाएंगे। दूसरा प्रेम, जड़ चेतन से प्रेम, अपने जो आपका कैमरा है तो कैमरा, कलम है तो कलम, जो आपके उससे पूरा प्रेम, वो आपका वाइब्रेशन कैरी करता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जिसके साथ 24 घंटे रहते हो, अगर वो वस्तु है, जड़ है, उस पर आपने हाथ रखा तो वो वाइब्रेशन जैसे टेप होता है। मानव पे आप हाथ रख के कोई भाव डालेंगे, 2 मिनट में उसकी बुद्धि आ जाएगी, भाव निकल जाएगा। इसीलिए तीर्थ स्थलों में कहीं आप जाते हैं आपको अच्छा भाव मिलता है, क्योंकि वो दीवारों में, मूर्ति में वो भाव रहता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रेम, सबसे एक सा प्रेम, ये भी हमें बड़ा डिस्टर्ब करता है उत्थान में कि इससे हमारा काम है तो हम प्रेम आदर करेंगे, इससे काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये भाव एक सा है जिसमें किसी के लिए कोई भी द्वेष ईर्ष्या में ऊर्जा व्यय करने का अर्थ ही नहीं रह जाता। उसके बाद है कर्म, जो काम सामने आए उसको आप पूरी अपनी क्षमताओं से करें। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा कर्म सामने आ जाता है कि जो हमने जो लक्ष्य रखा हुआ है उत्थान का, उससे मेल नहीं खाता, पर वो ऊपर वाला ज्ञान विज्ञान उसका जानता है कि इसी से उसका रास्ता निकलेगा। यहाँ बुद्धि की डंडी मार देते हैं। तो जो भी आपके सामने कर्म आ जाए, जिस समय आ जाए, उस समय का सत्य वही है, उसको आपको पूरी तरह करना। और सबसे ज़रूरी है प्रकाश। प्रकाश से आप भरेंगे तो आप फैलेंगे ही। सूर्य में प्रकाश भरा है तो वो फैलता ही है, प्रकाश का फैलाव ही होता है। प्रकाश का अर्थ है कि सब वो अनावश्यक वस्तुएं, शब्द जो आपके उत्थान में बाधक हैं, जो क्रियाकलाप, जो अनावश्यक फैलाव हैं, उनमें
आप ना हिस्सेदारी लें ना लिप्त हों। प्रकाश से भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रसार नहीं होगा। नहीं तो हमेशा एक मैं शब्द कहती हूँ, झूठ का प्रचार होता है और सत्य का प्रसार होता है, प्रकाश का प्रसार होता है। तो ये चार चीज़ें, चार स्तंभ हैं, सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश, इसको करें। और सही स्पिरिचुअलिटी का मतलब है डूइंग थिंग्स इन राइट स्पिरिट। हर एक काम आप सही स्पिरिट, सही स्पिरिट क्या है? स्पिरिट आत्मा को कह लीजिए। आत्मा का गुण क्या है? वो हमेशा आनंदित रहती है, वो मुक्त है, वो कहीं लिप्त नहीं है, और जहाँ जो भी उसके पास भी आता है उसको भी आनंद ही मिलता है। तो हमको अपने को ही देखना है कि क्या हमारे आभा मंडल से वो किरणें निस्तीर्ण हो रही हैं जो औरों को भी आनंदित करती हैं, मधुरता देती हैं, ज्ञान का प्रकाश करती हैं या प्रेरित करती हैं। तो उत्थान का मार्ग यही है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को हम उससे अलग करके नहीं देखें। श्री कृष्ण ने भी किसी चीज़ को नकारा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ दीजिए दुनिया में, हर चीज़ को वो साथ लेकर चले। खाली उससे निकलना कैसे है? तो यही सत्य, प्रेम, कर्म, प्रकाश का आप मार्ग अपनाएं और सदा आगे बढ़ें।